सीसीएल द्वारा बिजली आपूर्ति किए जाने वाले क्षेत्र से जुड़े एक गांव करहरबारी पंचायत के गुहियाटाड़ के भाजपा मालिक की अगुवाई में एक मीटिंग हुई, जिसमें सीसीएल प्रबंधन से तत्काल जला हुआ ट्रांसफार्मर बदलकर वहां बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की गई। अन्यथा 17 तारीख को जीएम कार्यालय के समक्ष इस सवाल पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया। इस बाबत भाजपा माले नेता राजेश यादव ने कहा कि गुहियाटाड़, धोबीडी, मकपीटो, दास टोला तथा करहरबारी आदि गांव सीसीएल ओपन माइंस के ठीक बगल में स्थित है और इन गांव के लोग यहां माइंस चलने से होने वाले हर तरह का नुकसान भी झेलते हैं। कहा कि बिजली आपूर्ति यहां सीसीएल की तरफ से ही होती है, लेकिन पिछले कई दिनों से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण इन्हें बिजली नहीं मिल रही, इससे इन गांव की पूरी आबादी परेशानी में है। वहीं गांव वालों ने भी माले नेता को बिजली की आपूर्ति बंद होने से उन्हें हो रही गंभीर परेशानी से अवगत कराया। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि आज से कल 2 दिनों के भीतर ट्रांसफार्मर दुरुस्त कर लाइन चालू नहीं किया गया तो 17 जून को जीएम के समक्ष इस सवाल पर प्रदर्शन किया जाएगा। माले नेता ने कहा कि सीसीएल माइंस के आसपास के गांव की जनता के बुनियादी सवालों से अनदेखी बर्खास्त नहीं की जाएगी। कुछ दिन पूर्व भी भाजपा माले ने जीएम के समक्ष आंदोलन कर उन्हें बिजली पानी सहित कई अन्य मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट कर उसके समाधान की मांग की थी। मीटिंग में अन्य लोगों के अलावा प्रधान टुडू, मनोज हांसदा, सलीम अंसारी, सोने लाल टुडू, हीरालाल बेसरा, पप्पू मुर्मू, सुनील बेसरा, युगल बेसरा, वीरेंद्र बेसरा, खुर्शीद अंसारी, प्रदीप टुडू, मनीष किस्कू, अमित हांसदा आदि मौजूद थे। ये अभी हम लोग करहरबारी पंचायत के गुहियाटाड़ गांव में हैं, बगल में धोबीडी भी है। यहाँ के लोगों से मुझे जानकारी मिली कि ये लोग पिछले 3 दिन से सीसीएल के जरिए जो यहाँ लाइन मिला हुआ, इनका ट्रांसफार्मर जलने के कारण पिछले 3 दिन से ये लोग अंधेरे में हैं और इस भीषण उमस भरी गर्मी में लोग बहुत ही परेशान हैं। तो एक तो ये मामला है कि यहाँ पर इस गांव में, खास करके गुहिया टीला में, यहाँ पर सीसीएल का लाइन मिला हुआ है। बाकी गांवों में तो सीसीएल के साथ साथ डीवीसी का वही ऑप्शन है कि वहां अगर सीसीएल का लाइन ना रहे तो वो डीवीसी से भी उसको दे, और नहीं तो परसों हम लोग, अगर ये कल तक अगर नहीं हुआ लाइन बहाल, तो परसों हम लोग जीएम कार्यालय के समक्ष में जाकर के हम लोग इस बात को लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। क्योंकि सीसीएल के आसपास के लोग जो पूरी तरह से सीसीएल के प्रबंधन के ऊपर में निर्भर हैं, अगर उनके तरफ से किसी तरह का इस तरह का लापरवाही होता है या कोई लेट लतीफी होता है तो इसका सीधा खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये यहाँ सीसीएल का माइंस होने के कारण तमाम तरह के नुकसान झेलते हैं। यहाँ पर सीसीएल के माइंस में जब विस्फोट होता है तो यहाँ के गरीबों के घरों में जो कमजोर घर है उसमें दरारें आ जाती हैं, अगल बगल सब तरह का मुसीबत इन लोगों को झेलना पड़ता है। तो फिर सीसीएल की ओर से जो सुविधा है वो इनको क्यों नहीं मिलेगी, ये सारा सवाल है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं प्रबंधन से वो तत्काल आज से लेकर कल तक यहाँ का लाइन को चालू करें, जो भी करना पड़े करें और लाइन चालू करें, नहीं तो परसों हम लोग बनियाडीह में सीसीएल जीएम के कार्यालय के सामने हम लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।